एवरीवन, दिस इज पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सर्दी वाली लग रही होगी। मुझे सर्दी के कारण मैं ये वीडियो कल नहीं डाल पाई। मैंने सोचा कि कल थोड़ी आवाज़ सही हो जाएगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, बट मुझे ऐसी ही आवाज़ के साथ डालना पड़ रहा है, तो फिलहाल तो इसी आवाज़ के साथ काम चलाइए। तो ये राखी लुक का पार्ट टू है। इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हैं कि राखी पे क्या पहनना है, तो वो पार्ट बिल्कुल आप ही के लिए है। आप ज़रूर देखिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लुक है उन भोली भाली लड़कियों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है। दुपट्टा मैंने इस स्टाइल में डाला है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल संस्कारी वाली फीलिंग आ रही होगी। सब कुछ मैंने जंग ज्वेलरी पहनी है, सिल्वर ज्वेलरी पहनी है। मैंने वाइट कलर की कुर्ती को इंडिगो ब्लू शरारा मतलब स्कर्ट पहनी नीचे, और इंडिगो ब्लू दुपट्टे के साथ पेयर किया है। सेंटर पार्टीशन किया है और सामने के जो बाल हैं उनको ऐसा थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्लिप लगा ली है। बिंदी ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी है तो लगाओ, नहीं हो तो नहीं लगाओ। मैंने लगा ली है बिकॉज ऐसा लगता है ना कि फेस्टिवल पे क्या ही ज़रूरत है इतना हीरोइन बनने की, थोड़ा सा फेस्टिवल अप्रोप्रिएट भी लगना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा डिसेंट सा लुक बिल्कुल रेडी है आपका राखी के लिए। ऐसा कुछ मैंने सारा अली खान को पहने देखा था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ मैं एक पॉइंट दुपट्टे डालने के स्टाइल पर भी कवर करना चाहूँगी। देखिए, सेम हेयर स्टाइल सेम ज्वेलरी के साथ मैंने दुपट्टे को सिर्फ अलग अलग स्टाइल में डाला है, बट ये दोनों कितने डिफरेंट तरीके से लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इन जनरल हम किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो हमारे आउटफिट से जाता है, हमने क्या पहन रखा है और किस तरह से कैरी कर रखा है। देखिए, इस तरह से दुपट्टा मैंने डाल रखा है, मैं जनरली इसी तरह से प्रेफर भी करती हूँ। तो इस तरह से दुपट्टा डाल रखा है तो ये दिखाता है हमारे कॉन्फिडेंस को कि हाँ, कोई भी आपको देख के परसीव कर लेगा कि हाँ, ये जो इंसान है ये कॉन्फिडेंट बंदा है, ठीक है। और वो जो वो वाली स्टाइल है उससे बहुत ही सॉफ्ट फेमिनिन थोड़ा सा वैसा लुक मिलता है। तो अगर कॉन्फिडेंट लुक दिखाना है तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड स्टाइल में सिंपल सी प्लेन कुर्ती को जो फुल स्लीव्स की है, मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी कि अगर आप लोग राखी के लिए कुछ सूट स्टिच करवाने का सोच रहे हैं तो किसी प्लेन कुर्ती को, प्लेन सॉलिड कलर कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आपकी जो भी प्रेफरेंस हो, वाइट, ब्लैक, रेड स्पेशली, क्योंकि ये काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं। इन्हें किसी डिफरेंट डिफरेंट प्लाजो के साथ, डिफरेंट दुपट्टे के साथ आप आराम से डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ इतनी सिंपल सी कुर्ती को मैं सिर्फ दो स्टेप के अंदर कैसे फेस्टिव अप्रोप्रिएट बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इयररिंग पहन लिए हैं, स्टेटमेंट इयररिंग पहनने हैं बिकॉज कुर्ती काफ़ी सिंपल है, तो हमें जितना भी लुक है सब कुछ इयररिंग से ही क्रिएट करना है। और इसके बाद हेयर स्टाइल मैंने सेम रखी है पहले वाली, और इसके बाद मैंने ये फुलकारी दुपट्टा डाला है जो बहुत पहले अंजू मेरे लिए एक सूट लेके आई थी, उस सूट के साथ आया था। वो सूट तो अंजू खुद ही खा गई, लेकिन उसका दुपट्टा मैंने रख लिया था जो आज ऐसे काम आ रहा है। इसमें ये गोल्डन वर्क है, जो मेरे गोल्डन जो मैंने रिंग पहनी है, जो इयररिंग पहना है इसके साथ जा रहा है, प्लस इसमें ये पिंक कलर का मरून कलर का बॉर्डर है जो मेरे कुर्ते के साथ जा रहा है। सेकंड, मैं इस टाइप की कुर्ती इसलिए भी प्रेफर करती हूँ बिकॉज एक तो जो अभी जो वेदर चल रहा है वो काफ़ी उमस वाला है, कितनी गर्मी से लगती है, तो ऐसे में क्या होता है इस टाइप के बस फुल कुर्ते हम लोगों ने पहन लिए हैं और नीचे से बिल्कुल हवादार लेगिंग पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे होंगे। अच्छा, तो ये लुक जो लुक है मेरे टाइप के लोगों के लिए यहाँ पर ही कम्प्लीट हो गया, बट वो लोग जिन्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना है, थोड़ा सा इसको और फेस्टिव अप्रोप्रिएट बनाना है, तो पहले तो सबसे पहले मैंने इसमें एक बिंदी ऐड कर ली बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बिंदी जो होती है वो तुरंत ही पूरा लुक चेंज कर देती है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मांग टीका। यस, मांग टीका जो है ऐसा कुछ बुराई तो है नहीं कि फेस्टिवल है तो हम लोग मतलब राखी है तो मांग टीका नहीं पहन सकते हैं, और मांग टीका पहनते से आप देखिए सिंपल सा लुक कितना ज़्यादा डिफरेंट लगने लग जाता है, मतलब तुरंत ही चार चांद लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं।
ओके तो अब ये लुक उन लड़कियों के लिए जो थोड़ा सा सजना सवारना मतलब जिन्हें अच्छा लगता है, ये सारे लुक जो है स्पेशली फॉर गर्ल्स बनाए गए हैं। तो इस यहाँ पे मैंने ये हॉल्टर नेक अपना ब्लाउज पहना है, नीचे मैंने ब्रोकेट की स्कर्ट पहनी है और साथ में ये दुपट्टा डाला है। ये दुपट्टा नेट का नहीं है बट इस पर गोल्डन वर्क है। जो ये तीनों पीस बिल्कुल अलग अलग हैं, दुपट्टा भी बिल्कुल अलग है, स्कर्ट भी अलग है एंड ये ब्लाउज भी अलग है, बट ये तीनों साथ में मैच कर गए थे तो मैंने इन सबको साथ में ले लिया। इसमें मैंने सिर्फ स्टेटमेंट ईयर रिंग पहने, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। इवन मैंने बालों को भी बिल्कुल टाइट पोनी बनाई है और आप देखिए कितना सिंपल सा क्लासिक लुक रेडी हुआ है। अब अगर मैं इस दुपट्टे को मैंने इस स्टाइल में इसलिए करके दिखाया है बिकॉज अगर मैं इसको वन साइडेड दिखाती तो फुल आपको लहंगे वाली फीलिंग आती, फिर आप कहते हमें यार शादी में जाना है क्या। ओके तो अब ये 3+4 मतलब ये फोर्थ लुक बता रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या करा है मैंने, उन लोगों को जिनको मतलब राखी में नहीं पसंद इतना ताम झाम इतना ये सब कुछ करना, प्लस जिनके यहाँ पे ब्लैक अलाउड नहीं, सबसे मेन बात बिकॉज मेरी मम्मी तो ब्लैक पहनने पे बहुत नाटक करती कि त्यौहार के दिन भी काला पहन के आ गई। तो अब क्योंकि स्कर्ट मेरी ब्लैक है ब्रोकेट की है तो मुझे कुर्ती तो ब्लैक ही पहननी पड़ेगी, बट इसमें मैंने ट्विस्ट लाया रेड कलर के दुपट्टे से। यहाँ पे मैंने सिर्फ वही सेम ईयर रिंग पहने, सब कुछ सेम मेकअप रखा है। इस टाइप के जो लुक होते हैं जब हम इन्हें क्रिएट करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। देखिए कितना सिंपल सा सब कुछ, लाइक क्रीम पाउडर लाली बिंदी तो हम लोग करते ही हैं और इसमें हमने कुछ और किया ही नहीं है, सिर्फ ईयर रिंग पहने हैं मैंने। और देखिए कितना सिंपल सा डिसेंट सा लुक तैयार हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर फेस्टिव अप्रोप्रिएट। स्टाइलिंग की यही बात होती है कि डिफरेंट डिफरेंट पीस को आप ले लीजिए और उनको डिफरेंट तरह से बस स्टाइल करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप जाए और नए कपड़े लेके आए। ये स्कर्ट मेरी पहले की, ये कुर्ती मेरी पहले की, आपने कई बार देखी होगी, दुपट्टा मेरा पहले का है और देखिए ये बिल्कुल तैयार है, फ्रेश आए, एक न्यू लुक जो राखी पे बिल्कुल अच्छा लगेगा, सोवर सा लगेगा। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम मैंने सेम मेकअप रखा है, सेम ज्वेलरी रखी है, लेकिन सिर्फ एक जगह ब्लाउज पहना है और एक जगह कुर्ती पहनी है और देखिए इन कितना डिफरेंट डिफरेंट दोनों लुक हो गए हैं। तो हाँ यही स्टाइलिंग है, यही री स्टाइलिंग है, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ओके तो अब इसे चाहे आप मेरी चीटिंग कहिए या कुछ भी यार, मतलब कोई सा भी लुक हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो, तो मैं बिना साड़ी को दिखाए कैसे रह सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे साड़ी को स्टाइल किया है। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल सी प्लेन रेड कलर की साड़ी पहन के आ गई, प्लेन सा ब्लैक कलर का ब्लाउज पहन के आ गई, ये कौन सा राखी लुक हुआ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैंने ईयर रिंग पहने हैं। अगर आपको इस तरह से ये ऐसा सिंपल सा अच्छा लग रहा है, ईयर रिंग सिल्वर के पहने हैं, सिल्वर ही मैंने बैंगल्स डाली है, तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इसमें भी कुछ ट्विस्ट लाएं तो चलिए 2 मिनट में आते हैं। ओके तो वही सिंपल प्लेन रेड कलर की साड़ी है बट विथ ट्विस्ट। ये आप अलग से पोचू टाइप का आता है, इसे पोचू ही कहते हैं आई थिंक, तो ये आप अलग से परचेस कर सकते हैं और आपकी सिंपल सी प्लेन साड़ी को बिल्कुल गॉर्जियस लुक दे सकते हैं। प्रॉपर जो आपने क्योंकि कहा था कि राखी का लुक गर्ल्स के लिए लेके आना, तो स्पेशली मैंने गर्ल्स को ध्यान में रख के लेके आई हूँ बिकॉज गर्ल्स ऐसा स्पेशल अलग से डिजाइनर ब्लाउज सिलवाएं या कुछ और करें, इतने तामझाम करने से अच्छा है सिंपल सा जाओ एक पोचू खरीद लो। इससे पहले भी लास्ट वीडियो मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था, अगर आप वैसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप वैसा कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। बट यस ये भी डिफरेंट लगेगा आपका और ये आपकी किसी भी प्लेन साड़ी को, किसी भी प्लेन से ब्लाउज को बिल्कुल डिफरेंट सा लुक दे देगा। तो आप ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये बैक से भी सेम ऐसे ही दिखता है और देखिए यहाँ पे भी मैंने मेकअप हेयर स्टाइल सब कुछ कितनी सिंपल रखी बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अब ये इतना मतलब गले में अली बाबा 40 चोर मैंने पहन लिया है, अब इसके साथ में अगर ओपन हेयर रख लूंगी तो वो कितना ज्यादा मतलब मुझे मैनेज करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वो। और मैंने ईयर रिंग जो पहने थे वो भी मैंने चेंज कर दिए फिलहाल, तो छोटे छोटे से ईयर रिंग पहन लिए। तो बस यही मेरा राखी का लास्ट एंड फाइनल लुक है जो साड़ी के साथ है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने इससे पहले का राखी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जरूर जाके देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग भी काफ़ी होगा बिकॉज मैंने उसको स्पेशली उन वेमेन को ध्यान में रख के बनाया था जिनकी अभी अभी शादी हुई है और जो अभी मतलब फर्स्ट टाइम अपनी मायके में राखी सेलिब्रेट करेंगी। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले आप सभी का दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू, मेरे 1000 सब्सक्राइबर अभी भी कंप्लीट हुए हैं तो दिल से आप सभी लोगों का थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।